समाजवादी पार्टी ने यूपी में जारी की है पहली लिस्ट, जिसमें अखिलेश यादव का भी नाम है। पहली लिस्ट में पहला नाम अखिलेश यादव ने उतारा है। नाहिद हसन को कैराना से अखिलेश ने उतारा। आजम खान भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यूपी में जारी की है पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में अखिलेश यादव से लेकर आजम खान और नाहिद हसन का नाम। नाहिद हसन वही व्यक्ति हैं जिन पर यह आरोप लगा है, उनके कई वीडियोस भी वायरल हैं। अब वो पुलिस की गिरफ्त में है, हिरासत में लिए गए हैं। हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू व्यापारियों के खिलाफ वो कैराना में लोगों को उकसा रहे थे, उसी नाहिद हसन को भी, आजम खान भी समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतारे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने यूपी में जारी की है पहली लिस्ट। अखिलेश यादव, आजम खान, नाहिद हसन, सभी का नाम है इसमें। समर श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। समर, जो पहली लिस्ट है उसी में कई सारे अब इसको लेकर चर्चा होगी, विवाद भी होगा। नाहिद हसन को कैराना से अखिलेश ने उतारा है, वो भी पुलिस हिरासत में। आजम खान भी देखिए, और अखिलेश यादव खुद भी चुनावी मैदान में, पहली लिस्ट आज जारी कर दी गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से आज पहली लिस्ट जारी कर दी गई। कुल 159 नाम इसमें है। नुक्कड़ से धर्म सिंह सैनी है, सहारनपुर देहात से आशु मलिक है, कैराना से विवादित नाम नाहिद हसन का है, सुहास अब्दुल्ला आजम है जो कि बहुत लाजमी था क्योंकि टिकट मिलना ही था, और आजम खान को भी रामपुर से टिकट मिला है। वहीं मार्च से संजय लाठर और बरेली कैंट सुप्रिया है जिन्होंने कुछ दिन पहले सपा ज्वाइन करा था। इसके अलावा ऊंचा हाथ सीट एक ऐसी है रायबरेली में जिसको लेकर लगातार चर्चा थी कि मनोज पांडे को मिलेगी या स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को मिलेगी, तो यहाँ पर मनोज पांडे ने बाजी मारी है। और जसवंत नगर से एज यूजुअल शिवपाल सिंह यादव, जो कि कुछ तस्वीर एक दिन पहले अखिलेश के साथ उनकी वायरल हुई थी, ट्विटर पे आई थी, और उनको सीट पे एक तरह से मोहर लगती हुई जो कि समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही शिवपाल लड़ेंगे। इसके अलावा घाटमपुर से भगवती सागर को टिकट मिला है, तो वहीं सिंध वारी से ब्रजेश प्रजापति, कुल 159 जो है प्रत्याशी हैं उनके कैंडिडेट्स हैं, इनको घोषित किया गया है। बेसिकली पश्चिमी यूपी को फोकस रखते हुए किया गया है, पर जैसा कि आपने कहा इसमें कुछ विवादित नाम भी है जो कि इस वक्त राजनीति के आगे आने वाले टाइम में चर्चा का विषय बनने वाले हैं। पर फिलहाल रामपुर से आजम खान का नाम और अब्दुल्ला आजम का नाम सवाल से ये एक चीज सामने आई है। और इसके अलावा ऊंचा आसन मनोज पांडे और अखिलेश खुद, जैसा कि पहले भी था, मैनपुरी चुनाव लड़ेंगे और ठीक वैसा ही होता हुआ, तो एक तरह से ये बड़ी खबर अभी के लिहाज से कि समाजवादी पार्टी ने आखिरकार अपनी लिस्ट जारी कर दी। अनुराग ठाकुर ने दो दिन पहले ही सवाल उठाया था कि आखिरकार समाजवादी पार्टी अपनी लिस्ट कब जारी करेगी, कब तक मंथन करेगी। ये बीजेपी की तरफ से लगातार क्वेश्चन हो रहा था कि आखिर उनकी लिस्ट कब आएगी। बीजेपी ने कुछ दिन पहले ही लिस्ट जारी कर दी थी, जिसमें छोटे क्षेत्रीय दल हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी लिस्ट जारी कर दी थी। कांग्रेस की तरफ से भी कुछ नाम आए, बसपा की तरफ से भी काफी नाम आए, और समाजवादी पार्टी की लिस्ट का इंतजार था और वो इंतजार खत्म हुआ और आज आखिरकार समाजवादी पार्टी की तरफ से ये नाम जारी करे गए। हालांकि नाहिद हसन, जिसकी चर्चा आपने करी, नाहिद हसन को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश से सवाल किया गया था तब उन्होंने कहा था कि हम अभी इस पर चर्चा करेंगे, पर शायद चर्चा राय और शेयर के बाद ही ये निर्णय पार्टी की तरफ से लिया गया है और नाहिद हसन को फाइनली यहाँ पर कैराना से टिकट दिया गया है। जी, जिस तरह की रणनीति के साथ अखिलेश यादव उतर रहे हैं चुनावी मैदान में, अब उस रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। दो बड़ी बातें, बीएसपी ने जो लिस्ट जारी की उसमें 20 से ज्यादा मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया, क्या इसकी वजह से एक इनसिक्योरिटी हुई जिसकी वजह से इन तमाम लोगों ने जगह पाई, ये भी एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं। इसी के साथ दूसरा सवाल, मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को सीट नहीं दिया क्योंकि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती थी कि पोलराइजेशन हो, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे थे। लेकिन अब इस लिस्ट के आने के बाद, कैराना से नाहिद हसन को उतारने के बाद, संदेश साफ है समाजवादी पार्टी की तरफ से। चलिए आपके पास लौटेंगे। उचहार से स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट नहीं है, जो बड़ी खबर है इस वक्त हम आपको बता दें। स्वामी प्रसाद मौर्य वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बीजेपी छोड़कर, एक बड़े ओबीसी नेता, मंत्री भी थे सरकार में, अब वो चले गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन उनके बेटे को टिकट नहीं मिला है। हालांकि उनकी बेटी संघमित्र मौर्य अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद है। लेकिन जो बड़ी खबर है, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव पहली लिस्ट में उन्होंने अपना नाम रखा है। नाहिद हसन कैराना में, जिसे पलायन का जिम्मेदार बताती है भारतीय जनता पार्टी, उसी नाहिद हसन को, जो हिरासत में, पुलिस हिरासत में, उसको टिकट दे रामपुर से। आजम खान को फील्ड करना, इसी के साथ आजम खान के बेटे को भी द्वार से टिकट मिला है। आपको हम बता दें,
अभिषेक हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, संदेश साफ है, बड़े बड़े संकेत इस पहली लिस्ट से जाहिर हो रहे हैं। जो सबसे बड़े टेक अवे पॉइंट्स है, मुलायम अखिलेश यादव का खुद का नाम उसमें होना, नाहिद हसन का कैराना से होना, रामपुर से आजम खान का होना, आजम खान के बेटे तक को टिकट देना। अभिषेक, अभिषेक आवाज आ रही है? चलिए हम फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें पहली लिस्ट ये जारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार पूछा जा रहा था, अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री है उन्होंने भी पूछा था कि आखिर अपनी लिस्ट जारी क्यों नहीं करती है, व्हाट्सएप पर टिकट दिए जा रहे हैं, बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही थी। लेकिन इन सब के बीच पहली लिस्ट 159 उम्मीदवारों की जारी कर दी गई है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अखिलेश यादव खुद मैनपुरी से, करहल से वो चुनावी मैदान में है, जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव यानी चचा को भी पहली ही लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बहुत बड़े बड़े संकेत इस पहली लिस्ट के जरिए देने की कोशिश है, नाहिद हसन से लेकर आजम खान, आजम खान के बेटे, खुद अखिलेश भी। देखिए बिल्कुल अंजना, और पहली लिस्ट के साथ में साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी पहली लिस्ट के जरिए किन्हें मैदान में उतार रही है। शुरुआत होती है अखिलेश यादव से, जो कि खुद करल की सीट से है, इसके अलावा शिवपाल यादव जसवंत नगर से है, और इसके अलावा जो नाम सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी को बता रहे हैं, क्योंकि स्थानीय नेताओं पर और अपने बाहुबलियों पर एक बार फिर से कहीं ना कहीं इन नेताओं पर समाजवादी पार्टी ने भरोसा किया है। 159 यानी 159 कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है जिसको आज जारी किया गया है। हालांकि लगातार बीजेपी इस बात को लेकर के सवाल भी उठा रही थी कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है, क्या नेताओं को लेकर के खासतौर पर माफिया और ऐसे लोग जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसको लेकर के बीजेपी ने लगातार निशाना साधा था। लेकिन लंबी चुप्पी के बाद आज समाजवादी पार्टी ने लिस्ट निकाली है, कई बड़े नाम है जिसमें खुद शुरुआत अखिलेश यादव से हो रही है, और इस लिस्ट के साथ में ये समझ में आता है कि आने वाले समय में भी अखिलेश यादव किस रणनीति के तहत आने वाले चुनाव के अगले चरणों में अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। जी बिल्कुल, और एक संकेत साफ है अभिषेक, ये बार बार कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि देखिए वो ऐसे लोगों को उतार रहे हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, वो ऐसे लोगों को उतार रहे हैं जिन्होंने कैराना में पलायन कराया, लेकिन डंके की चोट पर इन लोगों का नाम लिस्ट में शामिल करना बताता है कि फ्रंट फुट पर इन मुद्दों को लेकर, चाहे वो अपने मुस्लिम बेस को लेकर हो, चाहे वो अपने ओबीसी बेस को लेकर हो, फ्रंट फुट पर बैटिंग करने को तैयार है समाजवादी पार्टी। देखिए बिल्कुल अंजना, और ये लिस्ट से साफ हो जाता है, अखिलेश यादव बार बार ये कहते रहे हैं कि इसको लेकर के बीजेपी कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति फैलाने का काम कर रही है। चाहे नाहिद हसन की दावेदारी हो, तब भी हमने देखा था किस तरीके की सरगर्मियां पैदा हुई थी, इसको पूरी तरीके से सरे से निकाला था। इसके अलावा धनंजय सिंह को लेकर के सवाल वो पहले बीजेपी पे कर चुके थे, और तमाम नेता जो एक एक करके इस फहरिस्त में हमें नजर आ रहे हैं, उसे साफ नजर आता है कि अपने जाति का और इसके साथ ही साथ जमीन के समीकरणों को साधना कितना जरूरी है, इसीलिए इन तमाम नेताओं को जगह मिली है। कुंदरकी से शफीकुर रहमान वर्ग के पोते को भी, बहुत सारे विवादास्पद बयान देते रहते हैं शफीकुर रहमान, उनके पोते को भी टिकट मिला है। इनमें से कितने कैंडिडेट्स जेल में है अभिषेक? देखिए ये सूची में कई ऐसे लोग हैं जिनको लेकर के सवाल खड़े हो सकते हैं, हालांकि अभी इसकी पूरे तौर पे देखा जाए तो कई ऐसे नाम है, लेकिन इसमें एक चीज अंजना बहुत साफ नजर आ रही है कि अखिलेश यादव ने किसी की परवाह नहीं की है। जो आरोप लग रहे थे, चाहे वो जेल में लोग हों या इसके अलावा जिन पर मुकदमे दर्ज हैं या फिर जो बेल में है, तमाम इन लोगों को लेकर के लगातार हाशिए पे थे। लेकिन इस लिस्ट के आने के बाद में बीजेपी के सवाल जरूर उठेंगे, जो लगातार इस मुद्दे को इस चुनाव में भी आगे रख रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने किसी की परवाह नहीं की और इन तमाम उम्मीदवारों की लिस्ट को आज जारी किया है। जी सियासी बवाल तो छिड़ना ही, देखिए मैनपुरी करहल से पहला नाम अखिलेश यादव का है, और उसके बाद से आप पूरी लिस्ट देख रहे हैं जिसमें नाहिद हसन का नाम कैराना से दिखता है, जनपद शामली कैराना से देखिए नाहिद हसन का नाम है, कैराना में हिंदुओं के पलायन के लिए जिसके नफरती टेप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए, बीजेपी उसे ही जिम्मेदार ठहराती है, फिलहाल वो हिरासत में है। वहीं आजम खान का रामपुर से नाम है, आजम खान के बेटे का भी नाम है स्वार से, इसी के साथ शफीकुर रहमान जो कि सांसद है उनके पोते को भी टिकट दिया गया है। यानी अपनी रणनीति साफ करते हुए इस पहली लिस्ट के जरिए अखिलेश यादव, इस पर बवाल तो सियासी मचेगा ही, बीजेपी पूरे मुद्दे को उठाएगी, लेकिन कुल मिलाकर पहली लिस्ट जारी कर दी गई है 159 उम्मीदवारों की समाजवादी पार्टी की तरफ से।